हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं व्हाट इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज़ का क्या मतलब है तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है जैसे कि मान लो आपके सामने ऐसा पोलिनॉम्यल दिया हो ऐसे पी एक्स ठीक है इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री ऐसा आपको दिया हुआ मान लो और कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो आप फाइंड नहीं कर सकते इसका कोई भी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते बट अगर आपसे ऐसा कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ़ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू वन तो आप फाइंड कर सकते हैं एक्स का वैल्यू वन पुट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर अगर ऐसा कहा जाए आपको वॉट इज एट एक्स इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू टू तो आप एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे पोलिनोम डिफाइंड so, है किसी रेफरेंस पॉइंट के लिए किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है कोई भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल उसके अलग अलग बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं सो जीरोज ऑफ द पोलिनोम को हम समझने जाने रहे वॉट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोम तो किसी भी पोलिनोम किसी भी पोलिनोम कि उस रेफरेंस पॉइंट पे जहां पे पोलिनोमल का वैल्यू जीरो आ जाए उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमल जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझा रहा हूं पी एक्स इक्वल टू हमने अभी लिखा था व्हाट इज टू एक्स प्लस थ्री ठीक है तो अगर इस अगर हमने ये चीज़ जैसे ये टू एक्स लिखा हुआ है तो हमने अगर जीरोज़ ऑफ़ द पोलिनोमल निकालना है इस पॉलिनोमल का जीरो फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे अगर हम एक्स का वैल्यू मान लो देखो एक्स का वैल्यू अगर हम माइनस थ्री बाई टू पुट कर दे देखो एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है माइनस थ्री बाई टू तो चलो ना माइनस थ्री बाई टू पुट करके देखते हैं एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू माइनस थ्री बाई टू पुट करने पे माइनस थ्री बाई टू प्लस थ्री ठीक है सो ये टू टू कैंसिल हो गया माइनस थ्री माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल हो गया एंड देट वुड बी वॉट जीरो तो पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस थ्री पोलिनोमियल टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो आ गया कब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू पे तो ये चीज आपको समझ आ गया कि किसी रेफरेंस uh, पॉइंट पे जिस रेफरेंस पॉइंट पे किसी पॉलिनोमल का वैल्यू जीरो हो जाए कि जिस रेफरेंस पॉइंट पे किसी पॉलिनोमल का वैल्यू जीरो आ जाए उस उस पॉइंट को हम कह सकते हैं दैट पॉइंट इज द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल और उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द पोलीनोमियल तो आई होप आपको ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्लियर हो गया होगा एंड ये बहुत ही आसान टॉपिक है हम लोग अब कुछ एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं ठीक है तो ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का बस इतना ही मीनिंग हमें समझना था हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं जैसे देखो आपको एक्सरसाइज का जो पहला आप देख रहे हैं एक्सरसाइज टू बी का पहला क्वेश्चन इफ़ पी एक्स इक्वल टू फाइव माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर फाइंड पी जीरो पी थ्री एंड पी माइनस टू तो आपने बस यही करना है कि एक्स का वैल्यू एक बार जीरो पुट करना है दूसरे में थ्री पुट करना है तीसरे में माइनस टू पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर सो इस टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है और जो तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं शुरू के तीनों क्वेश्चन जो भी आपको दिख रहे हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर फाइंड द जीरो ऑफ़ द पॉलिम्बल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव तो इसका जीरो कैसे आप फाइन करो तो आपको जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का जब भी किसी भी पॉलिनोमल का जीरो फाइन करने कहा जाए तो आप बस उस पॉलिनोमल को जीरो के केल पुट कर दो पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स माइनस फाइव तो मैं इसको दूसरे स्लाइड पे देखो करके दिखाता हूं आपको हमने दिया हुआ है एक्स माइनस फाइव एक पॉलिनोमियल है इसका जीरो क्या होगा तो आपको इस पॉलिनोमल को बस जीरो के इक्वल पुट करना है एंड वट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स x का वैल्यू आप क्या आपको क्या मिला फाइव और इस x के वैल्यू यानी कि एक्स इक्वल टू फाइव पर x इक्वल टू फाइव पर ये क्या आ जाएगा वैल्यू अपना पोलिनोमल का पॉलिनोमल का वैल्यू आ जाएगा जीरो के इक्वल तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल जीरोज ऑफ अ पोलिनोमल आर दोज रेफरेंस पॉइंट आर दोज पॉइंट एट विच द पॉलिनोमियल एट विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमल बिकम्स जीरो ठीक है तो आपको ये क्लियर होगा तो चौथा जो क्वेश्चन है आपको ये अलग अलग है ये आप सब सॉल्व करेंगे और आपको ये इजिली आप सॉल्व कर पाएंगे मुझे पूरा उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे चलो अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आगे आगे देखो आप जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ वेरीफाई एट फोर इज अ फोर इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स माइनस फोर ये वेरीफाई करना है आपको चेक करना है कि क्या फोर ये पॉलिनोमियल एक्स माइनस फोर जो है उसका जीरो है तो हाँ है आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू अगर आप फोर पुट करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो तो आपने बस यही करना है कि पी एक्स इक्वल टू जिसमें भी जीरो आ जाए तो वो हाँ वो पोलिनोमल है जिसमें नहीं आए तो वो पोलिनोमल नहीं है बस ये आपने वेरीफाई करके दिखाना है एंड यू विल यू कैन कैलकुलेट ऑन यू कैन सॉल्व इट ईजिली ओके एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है वो हमें दैट इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमल ये तो हमने मैथमेटिकल वगैरह जो भी चीज़ें देखी सॉल्व करके कैलकुलेट करके देखी अल्जेबरिक मीनिंग समझा उसका व्हाट इज द जोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल का जोमेट्रिकल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है तो इसको समझने के लिए आप जैसे कि मान लो आप एक पॉलिनोमियल ले लो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू तो आपको जब भी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकालना हो जब भी इसका जोमेट्रिकल मीनिंग निकालना हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये जो पॉलिनोम गिवेन है ठीक है है ये जो आपको है, उसको पुट करना है y इक्वल टू डेट पॉलिमिले क्या है पॉलिम x प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू पुट कर दिया हमने ठीक है अब आपको ये फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स प्लस टू आपने पुट कर दिया किस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है किस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो आप देख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस टू पे ये पॉलिनोमियल यानी वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू पे तो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ फिर से देखो आप वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू है हमारे पास ठीक है और एक्स का वैल्यू अगर हम माइनस टू पुट कर दें यहाँ पर देखो माइनस टू पुट कर दें माइनस टू प्लस टू यहाँ पर देखो आप ठीक है तो ये क्या आ जाएगा बताओ ये आ जाएगा जीरो तो पॉलिनोमियल कब जीरो आ रहा है देखो एक्स इक्वल टू माइनस टू पे तो आपने जब भी जोमेट्रिकल मीनिंग फाइंड करना है तो ये मैं क्या बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ आएगा आपको बस उस पॉलिनोमियल जो भी पॉलिनोमियल गिवेन है उसको वाई इक्वल टू जो भी गिवन था हमने उसको पुट किया और देखो कि आप किस पॉइंट पे एक्स का वैल्यू जीरो uh, वो वाई का वैल्यू जीरो आ जाएगा किस पॉइंट पे तो हमने देखा कि माइनस टू पे उस केस में ये क्या आ रहा है जीरो आ रहा है ठीक है तो आप कह है सकते हैं कि एक्स एक्स इक्वल टू माइनस टू और पे वाई का वैल्यू क्या है बताओ जीरो है और अगर आप मान लो वाई पे एक पॉइंट आप निकालना चाहो तो आप एक्स को जीरो पुट कर सकते हैं वाई पे एक पॉइंट निकालना चाहो जैसे आप एक्स प्लस टू यहाँ में लिख देता हूँ वाई इक्वल टू और आप देखो अगर आपने कोई कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे निकालना है वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है तो एक्स को जीरो पुट करो एक्स को जीरो जीरो पुट करने के बाद ये क्या y आ जाएगा वाई इक्वल टू आपको टू आ जाएगा तो आप देखो x इक्वल टू ज़ीरो पे y क्या आ रहा है टू आया टू आ रहा है ठीक है ये आपको समझ आ रहा है कुछ ये जो मैं बता रहा हूँ अब इसको आप एज अ बॉक्स में बना लो देखो मैं बॉक्स में बना देता हूँ ये बॉक्स हमने ऐसे बना लिया ठीक है ये x ले लिया ये y ले लिया हमने यहाँ पे x इक्वल टू माइनस टू पे x इक्वल टू माइनस टू पे y का क्या है वैल्यू ज़ीरो आया और x इक्वल टू ज़ीरो पे y का वैल्यू क्या आया टू आया हमने ये बॉक्स बना लिया अब हमें इसको ज्योमेट्रिकली समझना है ज्योमेट्रिकली का मतलब होता है ग्राफ से समझना है तो आप एक्स वाई एक्सिस बना लो ठीक है ये एक्स एक्स डैस एक सेकेंड ये एक्स एक्स डैस ये है वाई एंड वाई डैस ठीक है तो ये देखो आप एक्स एक्स का जो भी एक्स का वैल्यू है माइनस टू पे तो 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 वाई तो तो ज़ीरो है।, है तो ये देखो एक्स का माइनस वाला पॉइंट इधर होगा माइनस टू जीरो ठीक है ये इधर होगा कहीं और वाई पे जो ये पॉइंट है जीरो और टू ठीक है ये यहाँ पे होगा और एक स्ट्रेट लाइन आप यहाँ से ऐसे बस ड्रॉ कर दो ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करा ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा आपने यही इस उस जीरोस के जीरोस के जोमेट्रिकल मीनिंग को दिखाता है जीरो के जोमेट्रिकल मीनिंग को दिखाता है अब ये क्या है आप इसको नोट कर लो तब मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है आप वीडियो को पाउज करके नोट कर सकते हैं जोमेट्रिकल मीनिंग मैं बता रहा हूँ उसमें क्या करना है आपने जब भी आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया है सबसे पहला काम करना है वाई इक्वल टू पुट कर देना है उस पॉलिनोमियल को एंड देन आपको वैसा वैल्यू फाइंड करना है जहां पे एक्स जीरो आ जाए वैसा वैल्यू फाइंड करना है जहां पे सॉरी वैसा वैल्यू फाइंड करना है जहां पे आपको वाई का वैल्यू जीरो आ जाए तो आप वैसा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके ठीक है एंड आप, आपको बस उतना फाइंड करने के बाद आप बस एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करो एंड देन दो पॉइंट्स के बीच में आप उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं दैट गिव्स यू द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल ये आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता है किसी भी पॉलिनोमियल का तो आप एक चीज़ अब ध्यान से देखो हमने जो इक्वेशन लिया था वो इक्वेशन लिया था पॉलिनोमियल जो भी लिया था वो हमने लिया था एक्स प्लस टू तो ये एक्स प्लस टू क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल के, के केस में लीनियर पॉलिनोमल केस में जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज वो ऑलवेज एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करता है लीनियर पॉलिनोमल केस में जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है क्वाडेटिक पॉलिनोमल केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल आप कुछ भी ले लो मान लो तो क्वाडेटिक पॉलिनोमल केस में एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करेगा क्यूबिक के केस में एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे कट करता है ठीक है तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आ रहा है आप ये समझो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही निकल के आ रहा है कि आप जितना जो भी पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक होगा या लिनियर पॉलिनोमियल होगा या क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो वो एक्स एक्सिस पे उतनी बार काटेगा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो तीन बार कट करेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो दो बार कट करेगा एंड अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वन एक बार कट करेगा और अगर कॉन्स्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमल होगा तो वो एक भी बार कट नहीं करेगा उसका वैल्यू बस वही होगा कांस्टेंट पॉलिनोमल जैसे आप ले ले लो y इक्वल टू टू अगर इसका आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता करना है ठीक है y इक्वल टू टू तो आप ऐसे कर सकते हैं देखो ये, ये y एक्सिस है ये आपका y एक्सिस है ये पॉइंट है आपका टू तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं वाई इक्वल टू टू का ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है तो आई होप आपको ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा तो आपको क्वेश्चंस कैसे पूछा था ये ये जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ़ नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको बता दिया ये में आपको पूछा जाता है ऐसा हमने ले लिया अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक ग्राफ आपको ऐसा दे दिया गया देखो ऐसा दे दिया गया आप देखो ये ग्राफ किस x एक्सिस को कितने बार कट किया है ये ग्राफ एक्स एक्स को कितने बार कट किया है एक बार यहाँ पे कट किया मैं यहाँ रेड से मार्क कर देता हूँ देखो एक बार यहाँ पे कट किया फिर एक बार यहाँ पे कट किया एंड एक बार यहाँ पे कट किया तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे इस ग्राफ ने तीन बार कट करा है इसका मतलब ये किसी किसी पॉलिनोमियल के बारे में अगर आपको ऐसा दिया हो कि ये ग्राफ है किसी पॉलिनाम्बल का और आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज हैं तो आप कैसे बता सकते हैं ग्राफ को देख के कि उस वो जो पोलिनोमल का ग्राफ है वो तीन बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो उसका जो जीरो होगा वो कितना होगा तीन होगा तो हम कह सकते हैं जीरो अगर तीन होगा तो वो एक क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल है एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करना था वो रह गया है वो जो पॉइंट है कि मान लो अगर जो लीनियर पोलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल है तो लीनियर पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम जीरो हो सकता है वो वन ही हो सकता है जैसे मान लो एक्स प्लस टू के केस में जो अगर आपको जीरो का जो जो भी जीरो का वैल्यू आएगा जो भी रूट का वैल्यू आएगा वो आपको केवल मैक्सिमम वन ही रह सकता है ठीक है क्वाड्रेटिक क्वाडिटिक के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमल वो टू हो सकता है क्यूबिक के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमल वो थ्री ही हो सकता है तो ये आपको समझना उससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम थ्री ही हो सकता है तो आई होप आपको ये video samajh aaya hoga that what is the zeros of a polynomial and value of the polynomial and geometrical meaning of the polynomial uh, so till then students thank you we will uh, come back with a new video on reminder theorem in the next video so till then thank you